हमारे बिहार में स्कूल की व्यवस्था अभी भी जर्जर स्थिति में है, क्योंकि कहीं पर स्कूल भवन है तो शिक्षक की कमी है, कहीं पे शिक्षक है तो बाउंड्री नहीं है। इस तरह की समस्या हमारे कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के चंदवा प्राथमिक विद्यालय की है। समस्या है कि यहाँ पे बच्चा बहुत है, पोषक क्षेत्र भी बड़ा है और बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं के कारण बच्चा जो है ना, बगल में मेन रोड है कोलासी हरदार रोड जाती है, दुर्घटना होने की संभावना रहता है, ऐसा जानवर सब इधर से बहुत इधर उधर जाता है, तो देखते कई बार यहाँ पे घटना हुआ बच्चे के साथ, तो बाउंड्री वाल होना चाहिए इसको। बाउंड्री नहीं है, फिर हम लोग स्कूल आते हैं गाय भैंस बकरी सब भी आता है, मारने आता है। उससे क्या परेशानी होता है आपको? फूल सब खा जाता है, खाना भी छोड़ के खा जाता है, खाना खा जाता है। कब से नहीं है बाउंड्री? जब से स्कूल बना है। अब छोटा सा बच्चा से 5 मिनट मांगा तो ठीक है जाओ, तो हम लोग तो ये देखते नहीं कि वो 5 मिनट जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, कुछ भी करने टॉयलेट करने जा रहा है, लेकिन वो बच्चे भाग जाते हैं बाउंड्री नहीं रहने कारण। बगल में खेत है और स्कूल जस्ट विद्यालय के ही प्रांगण में समझिए हवा महल भी है, तो उसमें बहुत सारे लोग आके हमेशा बैठ के बात करते रहते हैं, हम लोग को डिस्टर्ब भी होता है इस कारण। और जितना सारा भी फूल पत्ती का हम लोग लगाते हैं स्कूल में सुंदरता दिखने के लिए, तो आते हैं गाय भैंस बकरी वो खा लेते हैं, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 4 तक रहते हैं, उसके बाद तो रहते नहीं, बच्चे लोग भी चले जाते हैं तो वो जानवर सब आके उसे खा जाते हैं। बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है जितने भी खेती उती में चढ़े हुए गाय बैल कभी अंदर घुस गए तो बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और रोड से सटा हुआ भी ये है, बाउंड्री वाल होना अति आवश्यक है, यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती है और भी बच्चे हैं, बाउंड्री वाल रहने से अगर गेट रहेगा तो कोई भी पूछ करके आएगा, समझना पड़ेगा हमको कि कौन आदमी को घुसाना चाहिए किसको नहीं घुसाना चाहिए। क्या इसके लिए कभी कुछ किए हैं? हाँ, कई बार अफसर शिक्षा गए जिला शिक्षा पदाधिकारी बोले हैं, तो उसमें योजना कह रहे थे कि नहीं इसका अभी आवंटन ही नहीं है। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि चंदवा प्राथमिक विद्यालय में जल्द से जल्द बाउंड्री वाल हो, ताकि बच्चे सुरक्षित से रह सके और अपनी शिक्षा आधारभूत से ले सके। मैं इसके लिए वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूँ कि यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 85 44 41 14 41, इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें, ताकि इन बच्चों का भविष्य बदल सके। मैं नविता, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।